हेलो स्टूडेंट्स आप क्लास ट्वेल्थ टू डेज इन माय वीडियो लेक्चर्स बी एक्सप्लेन द डाइट्राइड्स डाइसेक्राइड्स दैट इज ए पार्ट ऑफ बायोमालिकुल्स कार्बोहाइड्रेट्स तो टू डेज वी डिस्क्राइब डाइसेक्राइड्स अब स्टूडेंट्स ये डाइसेक्राइड्स जिसका जिसके नेम से आप समझ सकते हैं डाई मीज टू सेक्राइड शुगर तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन आनहाइड्रोलिस गिव्स टू मालिकुल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स तो टू मालिकल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उसको हम कहते हैं डाई तो अब ये मोनोसेक्राइड जो है मोनोसेक्राइड्स अगर ये आपस में बांड बना रहे हैं और बांड बना के टू मोनोसेक्राइड्स ये बना रहे हैं डाइसेक्राइड्स तो अब उसमें किस टाइप का बाड्स है और ये टू मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं और डाइसेक्राइड डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो उनको हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं जैसे द टू मोनोसेक्राइड्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये टू मोनोसेक्राइड जो है ये ज्वाइंट होते हैं टुगेदर एक साथ बाई एंड ऑक्साइड लिंकेज ऑक्साइड लिंकेज से एंड लास्ट ऑफ वन वाटर मालिकूल वन वाटर मालिकूल को लास्ट करके सच लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड ऐसा लिंकेज ऐसा बाड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड के बीच में यूनिट थ्रो ऑक्सन एटम स्कॉर्ड ग्लाइकोसिटी लिंकेज ऐसे लिंकेज का नाम स्टूडेंट्स हम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट इज इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है यह टू मोनोसेक्राइड को बॉन्ड करता है और यह डाइसेक्राइड बनाता है हाँ तो स्टेंड्स में हम हाँ, अब हाँ, फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं सुक्रोज सुक्रोज जिससे हम लोग जो है केन शुगर से आतंक करते हैं वन आर द मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड इस इम्पॉर्टेंस है कि ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल्स जब ये डीक हाइड्रोलिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्राक्टोज का यह मिक्सचर बनाता है और ग्लूकोज में क्या है आप देख रहे हैं डी ग्लूकोज एंड डी फ्रेक्टोज तो ये ग्लूकोज फैक्टोज इसके पहले हमने यह प्लस डी गुल, ग्लूकोज और या या यल ग्लूकोज और आपका जो है डी फ्रक्टोज प्लस एन माइनस इस तरह से हमने आपको इसके पहले स्ट्रक्चर इस में शो किया था स्ट्रक्चर में दिखाया था कि यह डी ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं डेस्टोफार्म और लियोफार्म ये किस टाइप होते हैं तो इस तरह से हम यह देख रहे एक्चुअली कि सुक्रोज जब ये होगा तो वन माइलिक्यूल जो है डी ग्लूकोज देगा और वन माइलिक्यूल डी फ्रक्टोज देगा टूगेदर बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये दोनों मोनोसेक्राइड जो हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बाड होते हैं और ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है ये बिटवीन सी वन सी वन ऑफ अल्फा ग्लूकोज तो जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट है एंड सी टू बीटा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज का कार्बन नंबर सेकेंड तो अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट बीटा फ्रक्टोज का कार्बन नंबर सेकेंड तो ये दोनों जो है ग्लाइकोसिडिक बाड से बाड होते हैं सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बाड फॉर्मेशन तीस तरह से आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो रेड्यूसिंग ग्रुप है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो रिड्यूसिंग ग्रुप है ये दोनों बाड फार्मेशन ग्लाइकोसिडिक बाड से बाड फार्म कर लेते हैं इसलिए सुक्रोज को हम कहते हैं सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर और सुक्रोज क्या आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो सुक्रोज यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जबकि इसमें आप जानते हैं कि यह ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और यह फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है तो इस तरह से यह जिससे इससे पहले आप रिड्यूसिंग नाइड शुगर पढ़ चुके हैं रिड्यूसिंग शुगर क्या है नाइडोशन शुगर क्या है तो इस तरह से आपको देखने में लगेगा कि नहीं सुक्रोज हमारा जो है रिड्यूसिंग शुगर है लेकिन सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसका जो है जो अल्फा ग्लूकोज है और बीटा फ्रक्टोज है इसका जो कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन नंबर सेकेंड जो इसका रिड्यूसिंग नेचर है तो रिड्यूसिंग नेचर यह बॉन्ड फार्मेशन में जो रिड्यूसिंग ग्रुप है यह बॉन्ड फार्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है इससे सुक्रोज का नुगरस तो है जो पॉइंट आप स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज और ये आपका बीटा डी फ्रक्टोज है तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है और ये बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये दोनों स्ट्रक्चर ये ग्लाइकोसिडिक बना रहे हैं और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन कहाँ रहा है ये सी वन और सी टू कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकेंड कार्बन नंबर फर्स्ट आप अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर सेकेंड आप बीटा डी ग्लूकोज ये ऑक्सीजन बांड जो आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बाड तो ग्लाइकोसिडिक बाड से ये आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज मालिक्यूल्स और बीटा डी ग्लूकोज मालिक्यूल फार्मेशन करके सुक्रोज कंपाउंड बनाता है तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सुक्रोज सुक्रोज स्ट्रक्चर में कौन कौन से निवाल हैं तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को फोकस कीजिएगा जो हमें पॉइंट आपको दे रहे हैं जो अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज क्योंकि इसमें कभी कभी बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज आ जा जाता है और कंफ्यूजन होती है और कम्पटिशन के लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सुक्रोज का जब हम ब्रेक करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सुक्रोज जो वन मालिकोल अल्फा डी ग्लूकोज देगा और वन मालिक बीटा डी फ्रक्टोज देगा और दोनों का जो है बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे ग्लूकोज एंड डेस्टोरेटरी ग्लूकोज ग्लूकोज जो है गुलकोजोर होता है एंड लियोरेटरी फ्रक्टोज फ्रक्टोज जो है फ्रक्टोजरी होता है सिंस द लियो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन द डेस्ट्रो तो ये जो लियो रोटेशन होता है डेस्ट्रोज से अधिक होता है इसलिए हम इस मिक्सचर को लियो मिक्सचर को जो है लियो रोटरी कहा जाता है इस प्रकार हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे उट ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन इसके साइन रोटेशन में चेंज होगा फ्रॉम डेस्टो टू लियो टू लियो डेस्टो करते हैं और जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का नाम होता है इनवर्ड सुगर इस तरह से स्टूडेंट्स जो है सुक्रोज को इनवर्ड सुगर नेम दिया जाता है क्योंकि सुक्रोच का जब हम हाइड्रोलिस है करते हैं तो यह जो है डेस्टो ग्लूकोज डी फार्म और गुकोज अल्फा फार्म ये प्रोड्यूस करता है इसलिए सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को हम इनवर्ट सुगर नाम देते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ जो दो वर्ड आप देख रहे हैं जो वर्ड आपके सामने आ रहा है डेस्ट्रो एंड लियो स्टूडेंट्स इसको आप लोग क्लास इलेवेंथ में आप पढ़े होंगे चैप्टर आइसोमेरिज्म तो आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म तो में आपने वहां देखा होगा कि रोटेशन जब क्लाक वाई होता है तो उसको हम डी फार्म करते हैं इसको एल दिखाते हैं और एल्टी क्लाक होता है रोटेशन मालिकुल्स का मिरर इमेज में तो उसको एल फार्म देते हैं इसको माइनस करते हैं और अगर जो है व डी एल फार्म दोनों होते हैं कुछ पार्टिकल की क्लाक वाइज कुछ पार्टिकल एंटी लेंटी क्लाक मूवमेंट करते हैं तब उसको हम जो है डी एल फार्म और इसको प्लस और माइनस साइन से शो करते हैं इस तरह से इस तरह से लियो और लियो डी एल फार्म तो डी एल फार्म जो है इसको रेशमिक्स मिक्सचर भी नाम दिया जाता है तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें आप लोग क्लास इलेवंथ में डिटेल से पढ़े होंगे इसलिए हम इसको बहुत डिटेल्स नहीं करेंगे तो हम आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट डाइसेक्राइड्स है नेक्स्ट डाइसेक्राइड्स की हम बात करेंगे दैट इज माल्टोज माल्टोज दैट इज सेकेंड डाइसेक्राइड्स अब माल्टोज क्या इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अनादर डाइसेक्राइड्स माल्टोज इज कंपाउंड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोस यूनिट्स इन विच कार्बन नंबर वन ऑफ वन ग्लूकोस इज लिंक टू द कार्बन नंबर फोर ऑफ अनादर ग्लूकोस द फ्री एल्दी ग्रुप्स कैन बी प्रोड्यूस एट सी वन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सल्यूशंस एंड इट्स सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सो इट इज रिड्यूसिंग शुगर तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से कि अगर आप देख रहे हैं जो माल्टोज है तो माल्टोज का करेंगे तो यहाँ आपको ग्लूकोज का टू मालिक्यूल मिलेगा और दोनों कौन से मिलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेंगे और दोनों ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ये बांड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बाड से और बांडिंग कैसा होता है कि कार्बन नंबर फर्स्ट फर्स्ट ग्लूकोज कार्बन नंबर फर्स्ट और सेकेंड ग्लूकोज से कार्बन नंबर फोर्थ ये ग्लाइकोसिडिक बाड से बाढ़ होते हैं और ऐसे कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि द फ्री एल ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस इस पे जो है फ्री एल्डीड ग्रुप प्रोड्यूस होता है कहाँ कार्बन नंबर फर्स्ट पे आप सेकेंड ग्लूकोज इन सोल्यूशंस एंड इड्सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ये माल्टोज तो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इसलिए माल्टोज को तो हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं तो हम इसके स्ट्रक्चर इस को यहाँ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं तो स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप क्या देखना है कि माल्टोज का जब हाइसडिक हाइड्रोलिस करेंगे तो ये जो है टू माइलिकुल्स देगा आप देख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट मालिक्यूल्स और अल्फा डी ग्लूकोज का सेकेंड मालिक्यूल्स तो तो ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज जो मालिक्यूल्स हैं ये ग्लाइकोसिडिक बाड ये जो बाड देख रहे हैं इसको हम ग्लाइकोसिडिक बाड कहते हैं और ये दोनों माइलिकुल्स बाड कैसे हो रहे हैं यहाँ आपको दिखाया जा रहा है फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट और सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर फोर्थ ये तो दोनों आपस में बांड करते हैं और इसके बाद इसमें जो फ्री एल ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्री एल ग्रुप जो है कार्बन नंबर फर्स्ट पे प्रेजेंट होने से इसको हम जो है दिखाते हैं दैट इज रिड्यूसिंग शुगर्स हाँ स्टूडेंट्स अब हम आते हैं थर्ड डाइसेक्राइड थर्ड है हम लोगों को लैक्टोज स्टूडेंट्स आप लैक्टोज जानते हैं कि लैक्टोज क्या है ये एक आपका मिल्क शुगर है तो लैक्टोज हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं तो लैक्टोज इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर इसको हम क्या कहते हैं मिल्क शुगर कर? कहते हैं दैट इज मिल्क शुगर सिंस दिस डाइसेक्राइड फाउंड इन मिल्क डाइसे डाइसेक्राइड मिल्क पाया जाता है इट इज कंपोज ऑफ यह बना होता है बी डी बीटा डी गलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज द लिंकेज इज बिट्वीन सी वन आफ गलेक्टोज एंड सी फोर ऑफ ग्लूकोज तो यह स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपका यह लेक्टोज है मिल्क शुगर है और इसमें जो बॉन्डिंग होती है कैसे बॉन्डिंग होती है बीटा डी गलेक्टोज का और बीटा डी ग्लूकोज का और इसमें होता है क्या कि गलेक्टोज का कार्बन नंबर फर्स्ट क्लियर और ग्लूकोज कार्बन नंबर फोर्थ तो ये बॉन्ड होते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं दैट इज रेड्यूसिंग शुगर रिड्यूसिंग शुगर है तो so, आप इसके स्ट्रक्चर को यहाँ देख सकते हैं जो इसमें स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है तो स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोज देख रहे हैं तो लैक्टोज में क्या देख रहे हैं दैट दैट इज इज बीटा बीटा डी डी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज तो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये बॉन्डिंग कैसे बना रहे हैं बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर फर्स्ट और बीटा डी ग्लूकोज कार्बन नंबर फोर ये बांड बना रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बांड से और इसमें फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है और फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट होने से इसको हम रिड्यूसिंग सुगर कहते हैं हाँ स्टूडेंट्स इस, इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा डाइसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स में आप लोगों ने डिस्क्राइब किया थ्री पॉइंट्स को वो पॉइंट्स कौन कौन से फर्स्ट आपके जो है सुक्रोज थे तो सुक्रोज में आपने क्या देखा कि सुक्रोज जो है वन मालिक्यूल ग्लूकोज वन फ्रक्टोज से ग्लाइकोसिडिक बांड से बनता है और सुक्रोज आपका एक नॉन रिड्यूसिंग सुगर है क्लियर सेकेंड आपने क्या देखा आपने देखा लैक्टोज को आई एम सॉरी माल्टोज को सेकेंड पॉइंट आपने देखा माल्टोज ठीक माल्टोज में क्या देखा आपने कि माल्टोज जो है हाइड्रे पर यह प्रोवाइड करता है टू मालिकुल्स जैसे आप यहां देख रहे हैं कि माल्टोज प्रोवाइड कर रहा है क्या प्रोवाइड कर रहा है टू माइलीकूल अल्फा डी ग्लूकोज को और यह आपका जो है इसमें फ्री एल्डीड ग्रुप प्रेजेंट न होने से यह आपका जो है रेड्यूसिंग शुगर है तो माल्टोज को हम दिखाते हैं रिड्यूसिंग शुगर और थर्ड केस आपने क्या देखा थर्ड केस देखा आपने लेकटोस तो लेकटोज में क्या देखे आपने लेकटोज किसका कंपाउंड है किसका फॉर्मेशन है तो लेकटोज क्या है बीटा डी ग्लेक्टोज का और बीटा डी ग्लूकोज का तो बीटा डी गलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज ये कंबाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक बाड से और फार्मेसन करते हैं आपका लेक्टोज का तो लैक्टोज तो आपका मिल्क शुगर है तो इसमें स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि ये लेकोज में कार्बन नंबर जो वंस ये आपका जो है गलेक्टोज का है और कार्बन नंबर फोर ये जो है ग्लूकोज का है इस पॉइंट को स्टूडेंट्स जो है थोड़ा माइंड में हमेशा रखिएगा क्योंकि भी इंपॉर्टेंस और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में पूछ जाते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सुक्रोज आपका जैसे दे, आप देखें क्या है नारियल सुगर है इसके बाद आपका अ इनवर्ड शुगर है और उसके बाद सुक्रोज में क्या था ब्रेक डाउन होने पर यह ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर देता है इसके बाद माल्टोज में क्या देखें आप लोग कि माल्टोज आपका जो रेड्यूसिंग शुगर है और माल्टोज में क्या देखें कि इनवर्ड शुगर नहीं है और माल्टोज में आपने यह देखा है कि इसमें जो है टू माइलीकोल जो है ग्लूकोज ही मिलते हैं और इसके बाद आपने देखा जो है लैक्टोज लैक्टोज में क्या देखें आपने कि यह भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है जो लैक्टोज है ये भी आपका है और में ब्रेक डाउन होने पर जो प्रोवाइड किया बीटा डी गलेक्ट्रोज और बीटा डी ग्लूकोज को इसमें प्रोवाइड किया और इसमें जबकि आप जानते हैं कि जो मालिकुलर फार्मूला अगर हम दिखाएंगे तो सुक्रोज का माल्टोज का अलेक्ट्रोज का सी ट्वेल्व ई एस ट्वेंटी टू और ओ इलेवन ये फार्मूला आप सुक्रोज का भी दिखाएंगे यह माल्टोज का भी दिखाएंगे और यह लेक्टोज का भी दिखाते हैं तो ये तीनों फार्मूला सेम होते हैं मालिकुलर फार्मूला सेम होते हैं इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो हमारा ये डाइसेक्राइड्स का टॉपिक ये कंप्लीट होता है तो हम अपने पॉलीसेक्राइड्स को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे सो थैंक्स